हाय दोस्तों, आज मैं आपको इस विंडो के बारे में बताने वाला हूं। इसे मैंने कैसे बनाया था, देखिए ये 4x5 की विंडो है और ये 2x1 का रोशनदान है। ये विंडो हमने 4 विंडो और 5 रोशनदान बनाए थे। इसमें दो तरह की लकड़ी यूज हुई है, देखिए ये शीशम की लकड़ी है और ओ वाली जो दिख रही है आपको जामुन की लकड़ी है। इसमें 2 पीस जामुन की थी और ये देखिए ये रोशनदान है, ये 5 पीस का रोशनदान हमने बनाया था। देखिए पहले हम लोग इस तरह की पट्टी की फ्रेमिंग कब करते हैं, ये 1.25 इंच की पटरी है, इसे हम लोग पहले काट लेते हैं। काटने के बाद इसमें सीधा करके इसमें होल कर देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें होल हो चुका है। होल करके इसके बाद इसकी फ्रेमिंग करते हैं। फ्रेमिंग में सबसे मेन होता है इसका डायगोनल। देखो जिस तरह हम लोग ये चेक कर रहे हैं, देखिए चेक कर रहे हैं मिस्त्री साहब हमारे। ये चेक करने के बाद देखिए दोनों कोना देखेंगे तो आपको इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो आपको डायगोनल सही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जब तक डायगोनल सही नहीं होगा तो आपको विंडो में सीधे बैठेगी नहीं, तो ये डायगोनल करना एकदम जरूरी होता है। अब बस इसको देख लीजिए, अब इसको थोड़ा सा हम लोग टक से मार देंगे। देखिए ऐसे पटक दिए, पटकने के बाद अब इसका डायगोनल एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। दोबारा चेक करने के बाद इसमें चारों कोनों में वेल्डिंग कर दी जाती है। वेल्डिंग करना याद रखिएगा, अंदर की तरफ वेल्डिंग की जाती है, बाहर की तरफ से नहीं। अगर बाहर से वेल्डिंग कर देंगे तो अंदर घुसेगा नहीं, जो फ्रेम के अंदर जाएगा नहीं वेल्डिंग अगर बाहर से होगी, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप मिस्त्री आप तो जानते ही होंगे। और देखिए इस तरह हम लोग वेल्डिंग करते हैं, देख लीजिए ये रही अंदर की तरफ वेल्डिंग कर दे रहे हम लोग। देखिएगा ये अंदर से वेल्डिंग हो रही है, ये अंदर बहुत जरूरी है, अंदर से वेल्डिंग होना जरूरी है। बाहर से याद रखिएगा, बाहर से फ्रेम में वेल्डिंग नहीं होती है, ठीक। इसके बाद ये पक्का हो जाती है। पक्का होने के बाद इसका डायगोनल कहीं भागता नहीं है, तो आप इससे आराम से आप प्रॉपर मेजरमेंट लेके आप अपना सरिया वरिया सब भर सकते हैं। तो ये बात याद रखिए दोस्तों, अगर आप मिस्त्री हैं तो आपको जानकारी होगी, नए लोग हैं तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए हमने पूरा इसमें ग्रिल भर रहे हैं, जो मैंने फ्रेम की थी उसके अंदर ग्रिल भर रहे हैं, देख लीजिए दोस्तों। इसमें हमने 250 की सरिया 8 mm की सरिया कहते हैं उसको, 8 mm की सरिया 250 सरिया कहते हैं उसको, हम लोग भर रहे हैं इसमें। ये देख लीजिए इसमें हम लोग इसे मारुति डिजाइन कहते हैं, याद रखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर इसे मारुति डिजाइन कहते हैं। आप लोगों पर इसे क्या कहते हैं जरूर व्हाट्सअप में हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग यहाँ क्या कहते हैं। हमारे यहाँ मारुति डिजाइन कहते हैं। देखिए इस तरह हम लोग विंडो को भर देते हैं। इस विंडो को भरने का मतलब इसमें हम लोग दो तरीके से भरा जा सकता है, आप दो तरीके याद रखिएगा। एक होता है जैसे अगर आपके पास फ्रेम है तो उसके अंदर पट्टी मेजरमेंट कर करके उसमें एक एक करके टाके मार के उसमें से फ्रेम निकाल के फिर भी भर सकते हैं। और एक तरीका होता है डायरेक्ट मेजरमेंट लेके डायरेक्ट फ्रेम बनाने का, ठीक है दोस्तों। दो तरीके से होता है। और उसके बाद जब फिक्स कर लेते हैं तो फिर कई जगह क्या होता है हथौड़ी मारने से कई सारे टाके टूट भी जाते हैं। और ये देखिए ये रोशनदान का मैं आपको बता रहा था, देखिए ये रोशनदान के भी है सेम डिज़ाइन, हमने रोशनदान में भी दिया हुआ है, देख लीजिए सेम डिज़ाइन हमने रोशनदान में दिया है, तो ये भी रोशनदान का है। तो आपको बता रहा था, देख लीजिए रोशनदान का जो वेट था वो 3.5 किलो वजन था। 2x1 के एक का जो रोशनदान है उसमें 3.5 किलो वेट था, और जो खिड़की है जो विंडो है उसके अंदर 23.5 किलो से लेकर 25 किलो के अंदर वेट वेरी करता है, क्योंकि हर विंडो का थोड़ा थोड़ा फर्क होता है तो वेट अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये देख लीजिए हमारे पास ये विंडो आई थी, ये पूरा विंडो है, अभी हम इसमें पूरा ग्रिल भर देंगे। तो देखिए दोस्तों पूरा वीडियो देखते रहिएगा, वीडियो लाइक और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको प्राइस इसका बताता हूँ। देखिए ये शीशम के थे, शीशम का जो है ये फ्रेम हमको कस्टमर ने खुद लाकर लकड़ी दिया था, लकड़ी उसके घर में बहुत पुरानी पड़ी हुई थी उसने दे दिया था। बाकी जामुन की हमने 2 नहीं बनाई थी, तो जामुन की लकड़ी में अगर आप बनवाएंगे तो 3500 रुपये का 4x5 की लकड़ी विंडो फ्रेम बनती है, याद रखिएगा। ये वेरी करता है रेट, कई जगह पे 3200 से लेके 3800 तक के अंदर मिलता है, याद रखिए मतलब 3200 रुपये से लेके 3800 रुपये तक का इसके जामुन की लकड़ी में आपको 4x5 की विंडो मिलती है। और उसमें ग्रिल भर के 2100 का मैंने ग्रिल भरा था, टोटल इसका प्राइस हुआ 5600 रुपये में मैंने कस्टमर को 4 विंडो दी थी। तो ये बात याद रखिए दोस्तों, इसमें आपको जानकारी होना चाहिए कितने पैसे मिलता है, तो मैं आपको प्राइस बता भी दे रहा हूँ और अपने यहाँ लोकल में भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह थोड़ा सा वेरी होगा, ज़्यादा नहीं 150 रुपये आगे पीछे होता है, और वज़न भी 100-200 ग्राम इधर उधर आगे जाता रहता है, क्योंकि लोहा का प्राइस और वेट एक इक्वल नहीं होता है। और इस तरह का कोई भी विंडो आपको बनवाना हो तो आप अपने यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने यहाँ बनवा सकते हैं। अगर मुझसे बनाना है तो मेरा वर्कशॉप उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में है, मेरा नाम मुकेश चौहान है, मेरे वर्कशॉप का नाम हाईटेक इंजीनियरिंग वर्क है। मेरे पास CNC लेजर CNC राउटर दोनों मशीन है, इससे हम लोग कंप्यूटराइज का भी मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ये भी फैंसी डिज़ाइन भी मैं बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। और मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पर भी दिया है और एंड में भी दिया हुआ है। आपको इस तरह का कोई भी डिज़ाइन चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारी विंडो में डिज़ाइन पड़े हैं, आपको ज़रूरत होगी तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको दे दूंगा। और किसी भाई को जानना होगा इसे कैसे बनाया या क्या प्राइस बढ़ रही है, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको सब बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विजिटिंग कार्ड ये मैंने दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा।